नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो 4 में क्या बोला है बेटा? 4 में बोला है कि एक पार्ट के लिए वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड पास करता है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 17 9 एंड 17 को क्रॉस करता है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 9 कहीं ना कहीं पे होगा एंड एक्स इक्वल टू 17 कहीं ना कहीं पे होगा। इसको क्रॉस करता है कितने टाइम में? टी इक्वल टू 1 सेकंड में एंड टी इक्वल टू 3 सेकंड में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिएगा, लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया है, बस लिखा है मूविंग कंटिन्यूसली। इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या कैसे चल रहा है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया। ठीक है, बस बोला है कि मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और पहला इन्फॉर्मेशन ये आया निकल कर, फिर बोला है क्या, इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 1 से 3 सेकंड। तो 1 से 3 का मतलब बेटा यही वाला है ना, तो इसका एवरेज एवरेज वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हो। इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा? एवरेज वेलोसिटी इसका आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 9 8 17 8 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? 2 सेकंड, है ना। आ गया कितना? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। अभी बोला इसका जो एवरेज वेलोसिटी है ना 1 से 3 में, वही एवरेज वेलोसिटी है कहाँ से कहाँ? 0 से 6 में, टी इक्वल टू 0 से 6। तो ऑब्वियसली टी इक्वल टू 0 इसके पहले होगा एंड टी इक्वल टू 6 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 3 सेकंड के बाद। बोला यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालो, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालो, वो भी कितना आएगा? 4 आएगा। ये बोल दिया दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन से देखो क्या निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एवरेज मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मैं कितना मान लेता हूँ? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एस मान लेता हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एस अपॉन टाइम कितना आ गया बेटा? टाइम कितना लग गया यहाँ से यहाँ तक? 0 से 6 सेकंड, है ना, तो 6। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 24, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना? 24। अच्छा, यहाँ पे ये भी कुछ मेंशन नहीं किया है कि हाँ टी इक्वल टू 0 पे क्या है, ओरिजिन है क्या है, कुछ है ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बस यही दिया है। तो इससे तो हमें अब इतना ही इन्फॉर्मेशन पता चला कि टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 6 सेकेंड तक ये 24 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली वन डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। इससे तो बस यही इन्फॉर्मेशन निकला कि हाँ ये 24 चला। अब ना तो इसका लोकेशन पता है मुझे, ना ही इसका लोकेशन पता है। हाँ इतना पता है कि ये 9 से कम होगा ये वाला लोकेशन, इतना पता है कि ये 17 से ज़्यादा होगा, बस इतना ही पता है मुझे, और कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये बोल दिया कि चलो ठीक है भाई, हाँ इतना दिया। अब बोला है क्या कि आपको बताना है क्या कि इट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया है कि इट वाज एट एक्स इक्वल टू 5 एट टी इक्वल टू 0। तो बोला टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 5 होगा, तो कैसे निकालोगे? कौन सा इन्फॉर्मेशन से निकालोगे? यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन काम नहीं कर रहा। सबसे पहले तो ये दोनों का गैप हम लोग बता सकते हैं कि हाँ कितना आएगा, ये दोनों का गैप हम लोग बता सकते हैं कि कितना आएगा? 24 आएगा। अभी बोल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि टी इक्वल टू 0 पे एक्स 5 होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। हाँ अगर आप मान लेते, मान लो कि अगर आप मान लेते कि हाँ x इक्वल टू 5 होता है यहाँ पे, तब भले आप बोलते कि ये x इक्वल टू 5 होगा तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 29। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है? 24। तभी तो ये, क्योंकि टाइम 6 सेकंड लगा है, गैप अगर 24 होगा तभी तो 24 अपॉन 6 करोगे तो 4 आएगा, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है सेम, तो इतना कर सकते हैं भले। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि x इक्वल टू 5 ही हो। अगर आप x इक्वल टू 4 मान लो, तो ऐसा ही मान सकता है कि x इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या मान लेगा बेटा? टोटल 24 गया, तो x इक्वल टू 4 माना तो ये कितना आ जाएगा? 28, है ना, 28 में से 4 गया कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो अभी भी देख लो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 24 है, एंड ये वाला कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई सा भी गिवन कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। अगर मैं 4 एंड 28 लेता हूँ तो एंड पॉइंट को,
कोई सा भी गिवन कंडीशन आप बोल दो वायलेट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर भी वायलेशन नहीं हो रहा, 9 से पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो 9 से पहले ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि फर्स्ट करेक्ट ही होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, करेक्ट हो सकती है, बट ऑलवेज करेक्ट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना, क्योंकि गिवन कंडीशन से ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया, तो ये हम लोग नहीं बोल सकते डायरेक्टली। बोला इट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं किया था यार, अब क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता करने का, कि हर एक इंस्टेंट पे या हर एक इंटरवल पे भी आप बोल लो। ऐसे तो तरीका क्या है कि हर एक इंस्टेंट पे क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो अगर हर एक इंस्टेंट पे स्पीड कॉन्स्टेंट है बेटा, तो हर एक इंटरवल पे भी स्पीड क्या होना चाहिए, एवरेज स्पीड कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो हाँ कॉन्स्टेंट होना चाहिए सर। तो चलो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, चलो ये दोनों के बीच का एवरेज स्पीड निकालता हूँ। अब सोचो ये दोनों का जो एवरेज स्पीड है बेटा, कहाँ से कहाँ था, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 9 का। अब आप जानते हो कि क्या ये एक्स इक्वल टू 5 हो सकता है, तो आंसर इज यस, हो सकता है, ऑलवेज हो ये कोई जरूरी नहीं, हो सकता है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे आप यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे, ये 9 हो गया और ये 5 आपने माना, तो 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये टी इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो ये आ गया 1, तो ये 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी निकाल लो बेटा, और पूरा तो 4 है ही, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब 5 लिए हो तब, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप, आपने अगर 4 ले लिया, चेक करना, अगर आप क्या 4 ले सकते हो, तो आंसर यस, यहाँ 4 लोगे तो यहाँ 28 लेना, बट इसको 4 तो ले ही सकते ना, ऊपर वाला कोई कंडीशन तो वायलेट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो अगर आपने 4 ले लिया, तब ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 का डिफरेंस आ जाएगा, एंड टाइम कितना है बेटा, अभी भी 1 सेकंड है, तो अब एवरेज स्पीड कितना आ गया, 5, जबकि यहाँ का एवरेज स्पीड कितना है, 4, तो ये तो इस इंटरवल का और इस इंटरवल का अलग अलग आ गया, ठीक है। हालांकि हर एक इंस्टेंट पर होना चाहिए, इवन इंटरवल में ही सेम नहीं आ रहा, तो इंस्टेंट की तो बात ही छोड़ दो आप, इंस्टेंट पे तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पार्ट बी भी गलत हो गया, इवन मैंने 4 लेके किया, आप 3 लेके करो, 3 लोगों तो यहाँ कितना लोगे आप, 27 लोगे, 3 और 27 24 का डिफरेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। सी में बोला है बेटा एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 3 से 6। अब 3 से 6 पे आ जाओ, ये वाला ऑब्वियस सी बात है, बताओ ये भी सही हो पाएगा क्या, क्योंकि ये वाला तो फ्लक्चुएट करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, और जबकि टाइम फिक्स है। तो यहाँ पर भी अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, वी एवरेज, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, हालांकि अगर 29 लेके करोगे तो 29 में से 17 गया, तो ये आ जाएगा कितना, 12, 12/3, तो इससे आ रहा है, सही आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 28 लेके करोगे, तो 28 में से 17 गया, तो कितना आ जाएगा बेटा, 11/3, तो इससे नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा इससे, है ना, एग्जैक्टली 4 है, ये कोई जरूरी नहीं है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे तो शुरू से ही पता चल गया कि हाँ इन्फॉर्मेशन क्या है, इनसफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हम कुछ बोल नहीं सकते यार कि इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन क्या होगा, है ना, ऊपर में इन्फॉर्मेशन ही सफिशियंट नहीं है, ठीक है। मगर हाँ अगर बोला जाए कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, तो हालांकि इसको कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक इंटरवल के बीच होना चाहिए, है ना, मतलब कितना भी स्मॉलेस्ट इंटरवल हो, तो इसके बारे में तो बोल सकते हैं कंफर्म, इसके बारे में भी कंफर्म बोल सकते हैं, इसके बारे में अभी भी कंफर्म नहीं बोला जा सकता, ठीक है। मे बी में अगर होता तो हो सकता है, ठीक है, हाँ मे बी में ये भी होता तो हाँ हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो फिलहाल क्या आ जाता है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशियंट टू डिसाइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मस्त भी की बात कर रहा है, यहाँ पे मे इंक्लूड नहीं किया, ये यहाँ पर भी मस्त की बात कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली ये, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।